मंदिर जाते ओए हाथी राजा कांच ले ये जूते आटेगा। तो आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कंप्लीट रोड रिव्यू फ्रॉम सोलांग टू डाउकी एंड साथ ही कौन कौन से व्यू पॉइंट्स हैं जो आप लोग बीच में देख सकते हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे हम फुल डिटेल। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए और हमारे साथ एंजॉय करिए इस ट्रिप को। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। सो हमारी जो रात थी वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही पीसफुल नींद हम सोए हैं। हमने पूरे दिन जो है ट्रैवलिंग करी है, सो बहुत ज़्यादा टायर्ड हम हो गए थे और बहुत अच्छी नींद हमें यहाँ पर आई है। सो अब मैं आपको मिड पाइन होटल से कैसा व्यू है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए, रेडी हैं आप लोग व्यू देखने के लिए। सो अभी स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी मैं दिखाती हूँ क्या कर रहे हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कितना, मतलब इसे देखकर ही ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पर ही रहे बहुत लंबे टाइम तक। यहाँ पर जो बैम्बू ट्री होते हैं उनका यूज़ किया गया है और बहुत ही अच्छे से हर चीज़ बनाई गई है। और सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे लगी वो लगी मुझे ये, लुक एट दिस। हम लोग वहाँ अपने किस तरीके से इतने कॉस्टली जो है मार्केट में लेते हैं आपको पता ही है। और यहाँ पर देखिए, मैं अंदर भी एक दिखाती हूँ। हमने डिसाइड किया है कि अगर हमें मिलेंगे इस तरीके के लैंप तो डेफिनेटली हम लोग इसे बाय करने वाले हैं। लुक एट दिस, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक ये दे रहे हैं। एंड हियर अगेन, और ये देखिए जो है व्यू मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से, आप लोगों को आई होप दिख रहा होगा। ये देखिए, मैं जूम करके भी दिखाती हूँ। और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चिल्ड वेदर है यहाँ पर, बट स्टिल घूमने के लिए हम आए हैं। और जो सीज़न है वो विंटर सीजन है, तो ऑफकोर्स आपको पता ही होगा कि विंटर सीजन जो है वो इसी तरीके का होता है। यहाँ से भी मैं आपको दिखाती हूँ सारे व्यू। ये देखिए, यहाँ पर बहुत ही, सो फ्रेंड्स आपने देखा कितना ब्यूटीफुल व्यू है बाहर। एंड अब हम जल्दी से रेडी हो जाते हैं क्योंकि आज हमें कवर करनी है काफ़ी चीज़ें, एंड उसके लिए हमें जल्दी से रेडी होना पड़ेगा। एंड जो ड्राइवर भैया हैं उन्होंने भी हमें बोला था जितनी जल्दी हो सकता है उतना ज़्यादा आप कवर करेंगे। सो अभी जल्दी से हम नहा धोकर फ्रेश हो जाते हैं। और थोड़ा सा डिले हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो हमें काफ़ी लेट मिलने वाला है, 8 बजे से पहले नहीं मिलेगा वो। सो इसी वजह से थोड़ा हम लेट करें। वैसे मैं तो 5 बजे उठ गई थी एंड अपने कुछ काम निपटा रही थी मैं। तो चलिए मैं आपको अंदर लेकर जाती हूँ और अंदर जाकर देखते हैं ये सारे लोग क्या कर रहे हैं। चलिए देखते हैं बाकी लोग क्या कर रहे हैं। और ये देखिए, हमारे जो लगेज, सो रहे हैं लोग अभी भी। हेलो मिस्टी, हेलो हेलो बेबी, आजा मम्मा पास, कम या सो, कम 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 कम, से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड्स बोलो, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मनाए रखो, रात को नींद आई? यच यच, ओके। और एंजॉय कर रही है मनायरा? यच, स्माइल करके दिखाओ। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए हम जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं और फिर उसके बाद आपको मिलते हैं हमारी आज की जर्नी में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बने रहिए वीडियो में और वेट करिए। सो फ्रेंड्स, अब हम फाइनली रेडी हैं, आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल रेडी हूँ। एंड हियर मेरी डॉटर जो है वो भी रेडी है, से हेलो। हेलो, जल्दी से हम ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद हम निकलेंगे अपनी आज के ट्रैवल पे। आज हमें कहाँ जाना है वो आपको वीडियो में आगे दिखेगा। सो मिलती हूँ आपसे।
क्या होगा ना ब्रेकफास्ट। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। वेलकम। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम माय नेम इज मुनाया। क्या? माय नेम इज मुनाया। मुनाया? हाँ। अच्छा। स्कूल जाते हो? हाँ? स्कूल जाते yes. हो? यस। गली का मुझे ये तो कोई भी जाना कि मेरी मंजिल है का। पापा कहते हैं बाला नाम गले का बैठे हैं मिलके चपराए अमने चपटीरू में अम नारी है कोई इंजे क्या क्या बननी का चिट्टी ते नाचन चपराते हैं कोई इंजे काम बनने का कोई भी इंजे अपना नाम गाने का मगर ये तो कोई भी जाना किसी मेरी मंच है कहाँ। बहुत बढ़िया, चलो अभी नाउ वी आर ट्रैवलिंग सिलोंग टू डाउकी एंड टोटल डिस्टेंस जो है सिलोंग से डाउकी की वो 81 किलोमीटर है एंड इट विल टेक 2.5 आवर्स टू रीच डाउकी। सो ये जो रोड है ये एक स्टेट हाईवे है और सिंगल लेन रोड है और आगे आप वीडियो में देखेंगे जो रोड है मोस्टली हर जगह पर रोड जो है बहुत ही अच्छी हैं बट पर रोड कंडीशन इज़ नॉट गुड एट मैनी प्लेसेस बिकॉज़ हमने जब भैया से पूछा था तो हमें पता लगा कि वहाँ पर 4 लेन जो है रोड वो बनने वाली है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस वजह से जगह जगह पर खुदाई करी गई है। तो यहाँ पर देखिए आप रोड की जो कंडीशन है वो क्या है बट एक चीज़ बेस्ट है कि ये बिल्कुल जो है आपको प्लेन मिलेगी, ये मिट्टी इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है कि आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं या आपको सोचना पड़ेगा आप कैसे ड्राइव करें इस पर, और साथ ही ना ही लैंडस्लाइड के चांसेस हैं। सो सेफ़ रोड है ड्राइव करने के लिए नाइट में या फिर रेनी सीज़न में। अगर आप सिलोंग टू डाउकी ट्रैवल कर रहे हैं तो ये 4 व्यू पॉइंट्स आप इंजॉय कर सकते हैं और हमने इनमें से कौन से व्यू पॉइंट इंजॉय करे वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा।
are so they don't have manners at all. They have cars, they can put it in the car and later they can throw it. But see how they do it. That's why local people also they get very agitated. That's it. This is what we people have done. We Indians when you move to foreigner, so वहाँ पर हम सब तो अब आप भी हमारे साथ एंजॉय करिए सिलोंग टू डाउकी की लॉन्ग ड्राइव को, इस रोड ट्रिप को, और बहुत ही अच्छे अच्छे व्यू आ रहे हैं, साथ ही आप ग्रीनरी देख सकते हैं, कितने ज़्यादा मेस्मराइजिंग ये लग रही है। और उसे और ज़्यादा स्पेशल बना दिया है भैया ने, जब उन्होंने इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स प्ले किए, तो भैया ने बहुत ही अच्छा कलेक्शन रखा हुआ है। जब आप किसी लॉन्ग ड्राइव में जा रहे होते हैं, किसी रोड ट्रिप पे आप जा रहे हैं, तो हमें इसी तरीके का मन करता है कि कोई रोमांटिक से दिल को छू जाने वाले सॉन्ग्स प्ले करे जाएं। और इस ब्यूटीफुल लोकेशन को ये सॉन्ग्स जो हैं फुल्ली जस्टिफाई कर रहे थे। एंड आप भी हमारे साथ इस जर्नी में बने रहिए और इन्जॉय करिए इस रोड ट्रिप को, इस लॉन्ग ड्राइव को। और इस जर्नी को जिसने और ज़्यादा ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग बना दिया वो थी मेरी डॉटर। एंड पूरे टाइम वो राइम्स, सॉन्ग्स एंड वट एवर सी हैज लर्न टिल नाउ, वो सारी चीज़ें वो बता बता कर हमें सुना रही थी। एंड हमें बहुत ज़्यादा एंटरटेन उसने किया। सो जब बच्चे साथ में हो ना, तो जर्नी आपकी डबल स्पेशल बन जाती है और बहुत ज़्यादा आप इंजॉय करते हैं जर्नी को। तो अब मैं पहुंच गई हूं जो व्यू पॉइंट है वहां पर। एंड ये नेम इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि आई थिंक प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो जाएगा, तो बेटर है मैं इसे व्यू पॉइंट ही बोलूं। और ये ईस्ट खासी हिल्स में एक विलेज है, वहां पर सिचुएटेड है। एंड यहां पर काउंटर बिल्कुल खाली था, तो मुझे आसानी से टिकट्स मिल गई। तो यहां पर जो टिकट एंट्री फीस है वो अडल्ट के लिए 20 rupees है एंड 10 rupees फॉर चिल्ड्रन। और अगर आप फिल्म शूटिंग करना चाहते हैं तो 50 rupees एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पेड करने पड़ेंगे। एंड कैमरा मोबाइल बिल्कुल फ्री है। तो हम अंदर एंटर करने जा रहे हैं और आप लोग भी इस मेस्मराइजिंग व्यू पॉइंट को इन्जॉय करिए हमारे साथ। Hi, Misty. Hi. Get to it,
कौन सी जगह है, नाम क्या है इसका? तो व्यू पॉइंट इंजॉय करने के बाद हम आगे अपने डाउकी जो डेस्टिनेशन है उसके लिए निकल गए थे। एंड ऑन द वे हमें यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट दिखाई दिया और यहाँ पर हमें जो 4 लेन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो 4 लेन जो कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर हो रहा है। बट आपको अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप आसानी से जो है ड्राइव कर सकते हैं, ना ही ज़्यादा लैंडस्लाइड का टेंशन है ना ही कोई परेशानी वाली बात है, तो आसानी से आप इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आई फॉरगेट टू टेल यू, जब आप सिलोंग टू डाउकी ट्रैवल करेंगे आपको कोई भी टोल नहीं देना है रास्ते में और हर 10 to 15 किलोमीटर में आपको पेट्रोल पंप मिल जाएंगे। सो आज के वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि आज मैं सिर्फ रोड रिव्यू देना चाहती थी सिलोंग से डाउकी का इस वीडियो के थ्रू। सो नेक्स्ट हम जो वीडियो में दिखाने वाले हैं आपको हमारी डाउकी पहुंचने के बाद की जर्नी दिखाने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में, कल के एपिसोड में आपको दिखाई देगा। आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम सिलोंग टू डाउकी। सो आपको इस ब्यूटीफुल से राजस्थान के